City 56 Studio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. City 56 Studio के मौजूद दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम. मैं मोहम्मद इस्माइल वसीर आज आपके साथ चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट डायग्राम की मदद से रिव्यू पेश करूंगा. अगर आप चाहते हैं कि मेरी इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए. इस चैप्टर का आपके साथ रिव्यू पेश करूंगा, वो चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो चलें बच्चे, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का स्टूडेंट कंसेप्ट डायग्राम की मदद से रिव्यू. कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल consists of 5 major topics. Number 1, types of coordination. Number 2, human nervous system. Number 3, receptors in human. Number 4, endocrine system. Number 5, disorders of nervous system. Ab, number 1, types of coordination. ऑर्गेनिज्म के अंदर दो टाइप्स होती हैं कोऑर्डिनेशन की. नंबर 1, नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो अमल में लाया जाता है नर्वस सिस्टम की मदद से. नंबर 2, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से अमल में लाया जाता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन पर मुश्तमिल होता है और कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है इसके 5 कंपोनेंट हैं. नंबर 1, स्टिमुलाई. नंबर 2, रिसेप्टर्स. नंबर 3, कोऑर्डिनेटर्स. नंबर 4, इफेक्टर्स. नंबर 5, रिस्पॉन्स. अब इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 12 का दूसरा जो मेजर टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम. तो जो बेसिक मॉडल है नर्वस सिस्टम का उसको हमने 3 टॉपिक में डिस्कस करना है. नंबर 1, नर्व सेल या न्यूरॉन. नंबर 2, डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नंबर 3, रिफ्लेक्स एक्शन. अब नंबर 1, नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की और ये ब्रेन के अंदर बिलियन की तादाद में होते हैं. न्यूरॉन, एक न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ एक्सन एंड सेल बॉडी. अब एक्सन को आगे 3 जो हैं उसके हिस्से होते हैं, माइलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनवियर. नंबर 3, श्वान सेल्स. और इसी तरह सेल बॉडी के भी आगे 2 हिस्से होते हैं, एक न्यूक्लियस है और एक डेंड्राइट्स है. इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी कहते हैं जी. अब उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन के फंक्शन की बेस पर इसकी 3 टाइप्स हैं. नंबर 1, सेंसरी न्यूरॉन. नंबर 2, इंटर न्यूरॉन्स. नंबर 3, मोटर न्यूरॉन्स. दूसरा इसका जो सब टॉपिक है वो डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम को 2 जो हैं पार्ट्स में तकसीम किया गया है. नंबर 1, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नंबर 2, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 मेजर जो हैं पार्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें नंबर 1 ब्रेन है और नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड. तो बच्चों, सबसे पहले हम ब्रेन को जो है डिस्कस करते हैं. ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें 3 मेजर हिस्से होते हैं. कौन कौन से? नंबर 1, फोर ब्रेन. नंबर 2, मिड ब्रेन. नंबर 3, हाइंड ब्रेन. अब फोर ब्रेन जो है ये आगे 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक थैलेमस है, एक हाइपोथैलेमस. नंबर 3, सेरिब्रम. इसी तरह हाइंड ब्रेन भी आगे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें नंबर 1,
मेडोला अबलोंगेटा, नंबर टू सेरिब्लम और नंबर थ्री पोन्स। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल सिस्टम नर्वस सिस्टम जो है वो मुश्तमिल होता है क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स पर। क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये दोनों मिलकर दो पाथवे बनाते हैं और उसमें नंबर वन सेंसरी पाथवे है। सेंसरी पाथवे कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा है मोटर पाथवे। मोटर पाथवे कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। अब मोटर पाथवे जो है आगे दो सिस्टम बनाता है, उसमें एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलेंट्री एक्शन पर मुश्तमिल है और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन पर मुश्तमिल है। आगे बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ये भी दो सिस्टम पर मुश्तमिल है जिसमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम शामिल है। तीसरा सब टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। ये दो तरह के रिस्पॉन्सेस को जाहिर करता है जिसमें नंबर वन वॉलेंट्री एक्शंस हैं, नंबर टू इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इनकी डिटेल जब हम इस चैप्टर को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह ये आपकी खिदमत में अर्ज की जाएगी। उसके बाद जो तीसरा मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, वो है रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। मेन जो रिसेप्टर हैं एक इंसान के अंदर जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं वो दो हैं और वो हैं आई और ईयर। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं इंसान के अंदर, जैसे कि नाक है, अब इसके अलावा जुबान है, टेस्ट बड हैं, लेकिन आपके चैप्टर में क्योंकि आई और ईयर को डिस्कस किया है तो हम इसकी डिटेल देखते हैं। आई, आंख को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, एक नंबर वन स्ट्रक्चर ऑफ आई, नंबर टू डिसऑर्डर ऑफ आई। डिसऑर्डर ऑफ आई दो तरह के हैं जो कि डिपेंड करते हैं चेंजेस इन द शेप ऑफ द आई बॉल। नंबर वन मायोपिया, शॉर्ट साइट को कहते हैं। नंबर टू हाइपरमेट्रोपिया जो कि लॉन्ग साइट को कहते हैं, यानी करीब नजरी और दूर नजरी। उसके बाद नंबर टू ईयर, कान, इसको भी दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें नंबर वन है पार्ट्स ऑफ ईयर, तो पार्ट्स ऑफ ईयर तीन है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। और नंबर टू फंक्शन ऑफ ईयर, प्रोसेस ऑफ हेयरिंग इसका पहला जो फंक्शन है, नंबर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो प्यारे बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के पहले तीन टॉपिक को स्टूडेंट कॉन्सेप्ट डायग्राम की मदद से डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बाकी दो जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे।